Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 8, and in this video I am going to teach you chapter number 4 of civics, people who run our government. So let's start. In the previous chapter we have learned that the president is the formal head of the executive, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी ऑफ इंडिया. हमने अपने पिछले अध्याय में सीखा कि जो राष्ट्रपति होता है ये भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है. द अल्टीमेट पावर्स टू रन द गवर्नमेंट आर इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया. जो सरकार चलाने की अंतिम शक्तियाँ होती हैं ये भारत के राष्ट्रपति के हाथों में है. इन दिस वे द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन. इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो इंडियन यूनियन के हेड हैं. द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द ऑफिशियल एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज वर्क. जो उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवाओं के जो अधिकारी हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो राष्ट्रपति को उनके काम में सहायता करते हैं. द प्रेसिडेंट इज इंडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा, एज वेल एज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स विधानसभा एंड द ईच यूनियन टेरिटरीज, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, पुडुचेरी एट्सेट्रा. तो जो राष्ट्रपति है ये डायरेक्ट रूप से, मतलब परोक्ष रूप से, भारत की जो संसद है वो चाहे लोकसभा और राज्यसभा है, उनके द्वारा जो भी निर्वाचित चुने हुए जो सदस्य होते हैं, उनके साथ साथ भारत के राज्यों, मतलब विधानसभा और हर केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि दिल्ली, पुडुचेरी आदि में विधानसभाओं के माध्यम से लोगों को चुना जाता है. द प्रेसिडेंट सर्व्स अ कंट्री फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके कार्यकाल जो होता है, उनके काम करने की अवधि 5 साल होती है, उनको 5 साल के लिए चुना जाता है और उसके बाद में दोबारा से चुनाव किए जाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट अ कैंडिडेट. भारत के संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए मतलब उम्मीदवार होने के लिए क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा. ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. जो मतलब राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए. मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. उनकी जो एज है, आयु, कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए. मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेम्बर ऑफ लोकसभा. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उनमें योग्यता होनी चाहिए. मस्ट बी नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. मतलब उनको केंद्र, राज्य या फिर किसी और स्थानीय सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए. नाइदर कैन ही शी बी अ मेम्बर ऑफ द पार्लियामेंट नोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर. और न ही वो राज्य विधानमंडल के पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए. नाउ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं. ऑल्दो आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पावर्स डायरेक्टली और बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दैट मीन्स, हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी अपनी शक्तियों का वो प्रयोग सीधे या अपने जो अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन्स हैं, कुछ अपवादों के साथ में राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकार और व्यवहार में भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं. दिस एग्जीक्यूट पावर इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और ये जो शक्ति होती है इनका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता से किया जाता है. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट एंड इज एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट्स थ्रू. मतलब जो संघीय कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है.
पर इसका प्रयोग या तो वो डायरेक्ट कर सकता है या फिर वो अपने अंडर में जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनके माध्यम से कर सकता है. ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज. जो राष्ट्रपति होता है वो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है. ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द अदर मिनिस्टर्स. अब वो जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है. द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, एम्बेसडर ऑफ टू फॉरेन कंट्रीज, चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर ऑल अपॉइंटेड बाय हिम. जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, या राज्य के राज्यपाल हों, विदेशों में जो राजदूत होते हैं उनके अध्यक्ष हो, या फिर संघ लेवा जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसके कोई भी सदस्य हो, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं. द कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जो चुनाव आयोग के आयुक्त होते हैं और जो उनके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है. ऑल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. विदेशों के साथ जो भी संधियां होती हैं और जो भी समझौते होते हैं उस पर भारत के राष्ट्रपति का ही नाम अंकित होता है. लेजिस्लेटिव पावर. द प्रेसिडेंट कैन समन और डिसकंटिन्यू द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ही हैज़ द पावर टू रिजॉल्व द लोकसभा. जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदनों को बंद कर सकते हैं और उनके पास में लोकसभा को भी भंग करने की शक्ति होती है. ही कैन एड्रेस आइदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर. ही एड्रेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. दैट मीन्स कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये प्रत्येक वर्ष के पहले जो सेशन होता है, सत्र होता है, उसकी शुरुआत में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद में पहले सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों जो सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक होती है और उसको वो संबोधित करते हैं, उनको वो एड्रेस करते हैं. द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इश्यू ऑर्डिनेंस विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जो है आदेश भी जारी कर सकते हैं जिसके कानून जिसमें कानून का बल होता है. नाउ जुडिशियल पावर. जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक. जो उनकी शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट अ पार्डन और अ मर्सी पिटीशन टू एनी पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री. कई बार आपने सुना होगा कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट मिला है, किसी को जो है जेल हुई है, किसी भी प्रकार की सज़ा हुई है, तो वो पिटीशन कोर्ट में दायर कर सकता है. कोर्ट में नहीं, राष्ट्रपति से जो है डायरेक्ट दायर कर सकता है. दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, उनके पास में देश की किसी भी अदालत के द्वारा अगर भी सज़ा किसी को सुनाई गई है तो उस व्यक्ति की दया याचिका पर सज़ा को अपने हिसाब से वो कम कर सकते हैं या वो क्षमादान भी दे सकते हैं. इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास में ये पावर होती है कि अदालत से अगर मान लीजिए कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अगर उसने किसी को किसी व्यक्ति को आरोपी डिक्लेयर किया है और उसको सज़ा दी है तो उसकी सज़ा को वो कम कर सकते हैं या वो उसको क्षमा भी कर सकते हैं. फिनेंशियल पावर. फिनेंशियल मतलब वित्तीय शक्तियाँ कहते हैं इसे. ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो सभी धन विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं. इमरजेंसी पावर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन वाइड पावर्स टू मीट एन इमरजेंसी. जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको आपात स्थिति से निपटने के लिए सारे अधिकार दिए गए हैं. ड्यूरिंग इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड पार्शियली और इवन होली द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई आपातकाल हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उस समय में राष्ट्रपति जो है क्या कर सकते हैं, प्रत्येक नागरिक को जो हमारे मौलिक अधिकार या आंशिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं उनको वो निलंबित भी कर सकते हैं. जैसे भी समय की डिमांड होती है वैसे जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उस हिसाब से निर्णय ले सकते हैं. तो ये जो है पहला पार्ट था इस वीडियो का जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा. इसमें हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में,
जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, कि उनका इलेक्शन कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़ा होना है तो उसके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उनकी न्यायिक शक्तियाँ क्या है, उनकी जो है विधायी शक्तियाँ क्या है, उनकी फाइनेंशियल पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, और साथ ही साथ उनकी इमरजेंसी पावर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।